मेट्रो टाइम न्यूज पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ायज़ा बशीर। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं दो नौनिहाल मोस्ट इंटेलिजेंट बहन भाई, जो के हैं तो स्टूडेंट्स लेकिन उन्होंने पाकिस्तान का ना सिर्फ नाम रोशन किया बल्कि पाकिस्तान के आने वाली जनरेशन को ये मैसेज भी दिया कि अगर आप दिल से मेहनत करें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बेसिकली इन दोनों ने एक मिल के एक ऐसी ऐप बनाई है जो कि मोस्ट यूज़फुल ऐप फेसबुक को रिप्लेस करती है। आज अब हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि इस ऐप को बनाने का मेन एम क्या है और ये आइडिया इनको किस तरीके से आया है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कमरुनी साहब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि इस ऐप को बनाने का मेन एम क्या है। आई थिंक ये पाकिस्तान की पहली बल्कि पूरी दुनिया में एक ये पहली ऐप है जो कि मोस्ट यूज़फुल ऐप फेसबुक को रिप्लेस करती है, तो इसको बनाने का मेन एम क्या था? बेसिकली हमारा जो मेन विजन है वो है डिजिटल पाकिस्तान, तो जो विम्बर ऐप है वो भी इसी विजन के अंडर है और ये फेसबुक के जैसी है, लेकिन मतलब इस तरह की एडवांस ऐप जो है सोशल मीडिया वो दुनिया में अभी तक कहीं भी नहीं है। तो इसमें अगर देखा जाए बनाने का मकसद, एक तो ये था कि पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है तो पाकिस्तान की ऐप्स भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए कि पाकिस्तान किसी और कंट्री पे जो है वो डिपेंड ना करे। दूसरी बात इसमें ये थी फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो कि आपको दुनिया के किसी भी सोशल मीडिया में नहीं मिलती है, जैसे रिसेंटली फ़लस्तीन, कश्मीर या कोई भी ऐसा इशू होता है जिसमें फेसबुक का अपना इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो क्या करते हैं कि अगर आप कुछ पोस्ट करते हैं तो ना सिर्फ आपकी पोस्ट बल्कि आपके अकाउंट भी रिमूव कर दिए जाते हैं। तीसरी चीज़ इसमें यह थी कि जो जब भी हम कोई ऐप्स यूज़ करते हैं उनसे बहुत बड़ी अमाउंट में रेवेन्यू जनरेट होता है, जो कि इस वक्त मुल्क से बाहर जा रहा है। जैसे फेसबुक है तो उसके 45 मिलियन यूज़र्स हैं और वो फेसबुक यूज़ करें, उससे ना तो उनको कुछ मिल रहा है ना ही हमारे कंट्री को कोई फ़ायदा हो रहा है। वही लोग अगर विम्बर यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि वो खुद भी अर्न कर सकेंगे और उनसे जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल होगा। कितना टाइम लगा आपको इस ऐप को बनाने में? हमें 1.5 मंथ। इसमें आपने सारे फीचर्स, आप मेरा आपसे ये सवाल है कि इसमें कौन कौन से फ़ीचर्स हैं और कुछ इस तरह के भी फ़ीचर्स हैं कि जो दूसरी ऐप से हट के हैं, थोड़े डिफरेंट हैं? जी, इसमें फेसबुक वाले तो तमाम फ़ीचर्स मौजूद हैं, लेकिन इसमें कुछ फेसबुक से ज़्यादा एडवांस फ़ीचर मौजूद हैं, जैसे कि यहाँ पे आप हैशटैग क्रिएट कर सकते हो जो कि चीज़ ट्विटर में होती थी। इसके अलावा यहाँ पे जॉब्स पोर्टल है, आप जॉब हासिल कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पर मूवीज़ देख सकते हो, आर्टिकल्स लिख सकते हो, फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हो, इस तरह के पूरी दुनिया में पेमेंट आप सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। मतलब इस अगर आपके पास विम्बर होगा आपको मुझे नहीं लगता किसी और ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। ऑनलाइन पेमेंट का भी इसमें मेथड है, इसकी क्या खास वजह है? हाँ, क्योंकि आपको पता होगा लोग पाकिस्तान में पेपाल की बात करते हैं, पाकिस्तान पेपाल होना चाहिए, तो हमने इसके अल्टरनेटिव दे दिया है कि अगर आपका विम्बर है तो आप दुनिया भर में पेमेंट सेंड भी कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो विद इन सेकेंड्स और आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं पड़ेंगे इसके। ये फेसबुक से सिमिलर है, फेसबुक से काफ़ी मिलता जुलता है इसका लेआउट, इसकी खास वजह क्या है? हाँ, एक्चुअली क्योंकि अभी काफ़ी देर से फेसबुक चलती आ रही है पाकिस्तान में, 45 मिलियन से ज़्यादा फेसबुक के यूज़र्स हैं, तो अगर इसका हम लेआउट चेंज कर देते तो लोगों को ट्रांसफ़र में थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता था, तो इसलिए हमने इसका जो डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट फेसबुक जैसा ही रखा है। एक इस वक्त इसकी क्या रेटिंग जा रही है? हाँ, इस वक्त इसकी 4.6 रेटिंग जा रही है प्ले स्टोर पर, बाकी ट्रस्ट पायलट। क्या फीडबैक मिल रहा है आपको लोगों की तरफ से इसका? काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं इसको कि पाकिस्तान का अपना प्लेटफॉर्म है, इससे पाकिस्तान आगे जाएगा, इससे क्योंकि लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है, वो भी अर्निंग कर रहे हैं। इसकी कौन सी ऐसी खास वजह है कि जो मुझे कन्वेंस करे कि मैं इसको इंस्टॉल करूँ, इसको यूज़ करूँ? हाँ, कोई ऐसा कोई फीचर, कोई खास फीचर जिसको देख के मुझे लगे कि मुझे भी इसको इंस्टॉल करना चाहिए? फर्स्ट, एज अ पाकिस्तानी, पाकिस्तान का अपना सोशल नेटवर्क है तो हमें यूज़ करना चाहिए। बाकी ये फेसबुक से ज़्यादा सिक्योर है, इसका मैसेंजर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, बाकी आपकी प्राइवेसी ज़्यादा है, बाकी आप इससे कुछ भी कर रहे हैं आपके फ़ोन में आपकी अर्निंग हो रही है, तो आजकल हर कोई अर्निंग करना चाहता है ऑनलाइन, तो उसका भी फ़ायदा ये है कि वो अर्निंग कर सकते हैं। बाकी जो फेसबुक पर कर रहे हैं वो सारा कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। कमरुनी साहब, बताइएगा कि बहन भाइयों में अक्सर झगड़ा होता ही रहता है, तो कभी ऐसा हुआ कि ऐप को बनाने में आप दोनों में कोई झगड़ा हुआ हो कि ये फ़ीचर ऐड करना चाहिए या फिर ये फ़ीचर ऐड नहीं करना चाहिए, कभी ऐसा हुआ?
हाँ नहीं, बनाने में हमारा झगड़ा नहीं होता क्योंकि हम लोग पहले सोच चुके होते हैं कि उसमें ये चीज़ें करनी है। हाँ एक बात पे था जो कि भाई फीचर बताना भी भूल गए, इसमें आप पोस्ट में वॉइस नोट सेंड कर सकते हैं और कमेंट्स में वॉइस नोट सेंड कर सकते हैं। जब हमने ये फीचर इसमें करना था तो भाई कह रहा था कि ये लोगों को फीचर आपने ऐड नहीं किया। नहीं किया इसमें ना, तो भाई कह रहे थे ये पसंद नहीं आएगा कि लोग कॉमेंट्स में फिर इतने वॉइस नोट करते रहेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारे यूज़र्स को पसंद आ रहा है वो यही फीचर है, क्योंकि लोग बिजी होते हैं तो वो मतलब एक सेकेंड लगता है, पोस्ट में वॉइस नोट कर सकते हो, कॉमेंट्स में वॉइस नोट कर सकते। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ऐप को बनाते वक्त कोई फीचर मिस हो गया और अब आपको याद आया हो कि भाई ये भी फीचर ऐड करना चाहिए था? जी वो तो जब से हमने मतलब ऐप लॉन्च किया है तो हम तकरीबन हर हफ्ते उसको अपडेट कर रहे हैं, उसमें नए से नए फीचर्स डाल रहे हैं, तो ये अभी तक हम लोग कर रहे हैं उसको अपडेट। आपने PPSC के 30 पेपर्स दिए, ना सिर्फ पेपर्स पास किए बल्कि उनमें टॉप भी किया, अच्छे मार्क्स आपने लिए, तो कितना टाइम आपको लगा इनकी तैयारी करने में और किसने सबसे ज़्यादा आपको इसमें सपोर्ट किया? इसमें जो है सिर्फ PPSC नहीं, मतलब PPSC, FPSC, NTS, OTS वगैरह के सब पेपर्स हैं। कुछ में मैंने क्लियर किया, कुछ में मैंने ज्वाइनिंग दी, रिसेंटली मैंने सब इंस्पेक्टर से रिज़ाइन किया है। तो स्पोर्ट जो है इसमें प्रेपरेशन यह है कि एक दफ़ा आपकी लगती है, अगर आप 3 से 4 मंथ अच्छी तरह से कर लेते हैं तो फिर सब पेपर्स की तैयारी जो है वो एक जैसी होती है। और स्पोर्ट ऑब्वियसली फैमिली की और फाउंडेशन जो है वो अब्बू ने बनाई हुई थी इतनी स्ट्रॉन्ग, तो अभी और फिर कर करके मेमोरी जो है वो। आपने किसी एकेडमी से तैयारी की या फिर खुद ही आप? नहीं मैंने खुद ही की है, खुद ही सारी तैयारी की है। तो आप मुझे बताइएगा कि कोई एक्टिविटी जो आप दोनों ने छुप के की हो और अभी तक किसी को पता ना हो? नहीं इन चीज़ों का टाइम नहीं मिलता, हमारा 24 घंटे में से 18 से 20 आवर्स जो है वो काम में गुजर जाते हैं, क्योंकि हमने इतनी तकरीबन मोर देन 10 एप्लीकेशंस बनाई हुई हैं। फिर ये पेपर कौन कौन सी एप्लीकेशंस हमने जितनी भी पाकिस्तान में यूज़ हो रही हैं उनकी अल्टरनेटिव बनाई हुई हैं कि ताकि पाकिस्तान डिजिटल हो सके हम अपनी ऐप्स यूज़ करें। उससे ये होता है, एक तो आपका डाटा पाकिस्तान में रहता है, आपकी प्राइवेसी जो है आप सिक्योर रहते हैं, दूसरी बात है कि उनसे जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए। सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली एप्लीकेशन कौन सी है इस टाइम? वो विम्बर है, क्योंकि इसमें क्या ऐसी खास वजह है कि लोग उसको पसंद कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान में जितनी भी एप्लीकेशन यूज़ हो रही हैं, व्हाट्सएप तो एक अब ज़रूरत बन चुका है ना, इसके अलावा जो सोशल मीडिया यूज़ हो रहा है वो सबसे ज़्यादा फेसबुक है, तो जो विम्बर है वो बिल्कुल फेसबुक के जैसी है, तो इस वजह से वहाँ पर यूज़र्स भी ज़्यादा हैं और वो उसको लाइक कर रहे हैं। वही बात है, उसमें फ़ीचर्स जैसे भाई ने बताए थे तो लोग उसको पसंद कर रहे हैं। आपने भी इसके अलावा कोई जो ऐप बनाई है, मिलके दोनों ने काफ़ी सारी ऐप्स बनाई हैं, उसमें कौन सी ऐसी ऐप है जो फीचर्स ज़रा हट के हैं, थोड़े डिफरेंट हैं, और कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा आपका फेवरेट है, एक हमारी लोग भी पसंद कर रहे हैं? क्या व्हाट्सएप की अल्टरनेटिव हमारी एस्कॉन ऐप है, ये ऐप व्हाट्सएप से ज़्यादा एडवांस है। अगर आप किसी बंदे को अलाउ नहीं करते तो आपकी चैट का स्क्रीनशॉट कैप्चर नहीं कर सकता, आपकी चैट का स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर सकता, तो इस तरह जो भी हमारी ऐप है वो बाकी ऐप्स की नस्बत ज़्यादा एडवांस। इसमें अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो जो नेक्स्ट पर्सन है उसको नोटिफिकेशन जाएगा? नहीं, अगर वो वहाँ पे बटन है, अगर वहाँ से वो अलाउ करेगा तो देन आप ले सकते हैं, और ना उसके अगर कोशिश करेगा तो नोटिफिकेशन जाएगा उसको ये लेना चाह रहा है, कर ही नहीं सकेगा। आप हमें बताइएगा कि ऐसा क्या करेंगे आपके आपकी जो ये ऐप है आम पाकिस्तानियों तक पहुंच जाए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको शायद इस ऐप के बारे में अभी नहीं पता होगा। एक्चुअली पाकिस्तान की अपनी ऐप है तो हर इंसान का इंडिविजुअली फ़र्ज बनता है कि वो एक दूसरे तक इसको सपोर्ट। काफ़ी लोगों को आई थिंक अभी तक नहीं पता चला इस ऐप के बारे में। हाँ जी ऐसा ही है, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं चल सका इस ऐप में, एक तो ये न्यू है और एक थोड़ी देर पहले ही पता चला है। हाँ क्योंकि अभी एक तो ये न्यू है और बाकी इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे, क्योंकि 100% नॉन प्रॉफिट है, और बाकी हर पाकिस्तान का फ़र्ज़ है कि एक दूसरे तक ये चीज़ स्प्रेड करे, क्योंकि विम्बर ऊपर जाएगी, पाकिस्तान का सोशल मीडिया ऊपर जाएगा, तो इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। इस ऐप को बनाने में आपको किसी की सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ी? हाँ नहीं ऐसा नहीं है। आपने दोनों ने मिलके ऐप बनाई, कभी ऐसा हुआ कि आप जब आपने ये ऐप बनाई तो आपके फ्रेंड्स में से किसी ने आपको अप्रिशिएट किया हो, या फिर कोई फ्रेंड्स होते हैं जो कहते हैं कि इसने ये ऐप बना ली, मुझे बनानी चाहिए थी, या मुझे भी ये काम करना चाहिए? हम लोग मतलब खुद काम करते थे तो इसलिए फ्रेंड्स नहीं हैं, तो बाकी जिस चीज़ को पता चला उसने अप्रिशिएट किया। इसमें पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है, यहाँ की आवाम को क्या फ़ायदा है इस ऐप से? हाँ पाकिस्तान को ये फ़ायदा, देखें अभी जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ना वो इस साइट पे आ रहे हैं कि वो अपनी एप्लीकेशन यूज़ करें, इंडिया जो है वो अपनी अपनी एप्लीकेशन बना रहा है, चाइना जो है वो अपने यूज़ कर रहे हैं, तो अगर पाकिस्तान ने भी कुछ डेवलपमेंट की तरफ जाना है तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब अपनी एप्लीकेशंस होंगी तो उनसे बहुत बड़ी अमाउंट में रेवेन्यू जनरेट होता है जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, तो ये पाकिस्तान को बहुत बड़ा फ़ायदा है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान IT में जो है वो एडवांस होगा, वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान का एक नाम होगा,
तो इस तरह से पाकिस्तान को रेवेन्यू में भी फ़ायदा है, पाकिस्तान का डाटा पाकिस्तान में रहेगा, पाकिस्तान दूसरे मुल्कों का मोहताज नहीं होगा। क्योंकि अभी अगर आप देखें जैसे टिकटॉक है, वो तकरीबन रोज़ बंद रहता है ना, क्योंकि उसमें जब कोई इमोरल कॉन्टेंट वल्गैरिटी आती है तो उससे क्या होता है कि पाकिस्तान के पास कंट्रोल नहीं है ना, तो पाकिस्तान को पूरी ऐप बंद कर देना पड़ती है, जिसमें जो अच्छे क्रिएटर्स हैं उनको भी नुकसान होता है। तो अगर पाकिस्तान की अपनी एप्लीकेशन होंगी तो उनका जो कंट्रोल है वो पाकिस्तान के पास होगा, ताकि वो जिस स्पेसिफिक कॉन्टेंट को रिमूव करना चाहें वो कर सकते हैं, और इस तरह से पाकिस्तान का अपना कल्चर प्रमोट होगा और बहुत ज़्यादा जो सोसाइटी में गलत चीज़ें हो रही हैं उनसे। आपने भी बताया कि आपने 5 ऐप्स आपने बनाई हैं, 5-10 ऐप्स आपने बनाई हैं, तो सबसे पहला ऐप आपने सबसे पहली एप्लीकेशन कौन सी बनाई थी? हमने बनाया था कोरोना वायरस डिटेक्टर, जो कि आपका कोविड डिटेक्ट करता था विदाउट PCR। उसके बाद फिर हमने टिकटॉक की अल्टरनेटिव ऐप बनाई, हिप हॉप शॉर्ट वीडियोज। उसके बाद कितना अर्सा हो गया इस प्लेटफॉर्म के लिए आप काम कर रहे हैं? विम्बर के लिए 1 year and 6 months हो गए हमें। क्या एज थी आपकी उस टाइम? हम लोग एप्लीकेशन जो बना रहे हैं वो तो हम बहुत टाइम से बना रहे हैं, लाइक बचपन से ही छोटी छोटी गेम्स बना रहे हैं। भाई जब 6 year का था सबसे पहले भाई ने गेम बनाई थी, तो फिर इस तरह से हम लोग छोटी मोटी एप्लीकेशंस प्ले स्टोर पे सब अवेलेबल। बचपन से ही आप दोनों को शौक था जी। आप हमें बताइएगा कि आपकी हुकूमत से क्या अपील है कि आपकी ये जो ऐप है उसको रन करने में आपकी कोई हेल्प करे या फिर इसके अलावा कुछ और? यही है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान इसको पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत की तरफ से अगर सोशल मीडिया पाकिस्तान का अपना लॉन्च करती है, तो इससे एक तो ये ज़्यादा लोग तक स्प्रेड कर जाएगा और जो हमारा मकसद था वो पूरा हो जाएगा, पाकिस्तान की डाटा सिक्योर हो जाएगा, पाकिस्तानी डाटा पाकिस्तान में रहेगा और इससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो पाकिस्तान पर खर्च होगा। आपकी कंपनी से आपकी क्या हुकूमत को अपील है? यही है कि हम लोग जस्ट 2 लोग हैं और स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे इतने ज़्यादा और भी प्रोजेक्ट्स हैं, तो मतलब इन सब की जो सक्सेस है वो पॉसिबल नहीं होती कभी भी, इसलिए टीम वर्क होता है। और अगर गवर्नमेंट साथ देती है, पाकिस्तान साथ देता है, तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती है कि अगर हमने इतनी मेहनत की है तो उसका जो रिवार्ड है वो पाकिस्तान को मिलना चाहिए, कि रेवेन्यू भी पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान जो है टेक्नोलॉजिकली भी एडवांस हो, वर्ल्ड वाइड भी, मतलब पाकिस्तान का एक नाम होगा। और ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज है जो कि पूरी दुनिया को जाएगा कि पाकिस्तान का अपना एक सोशल मीडिया है या बाकी ऐप्स भी पाकिस्तान जो है वो अपने यूज़ कर रहा है। तो आई थिंक पाकिस्तान को साथ ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये सब कुछ है। हम तो इवन ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान इसको ऑन भी करे तो जो भी रेवेन्यू हो वो पाकिस्तान के पास ही रहे। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे तलत महमूद और कमरुन्निसा, जो के हैं तो स्टूडेंट्स, लेकिन इन्होंने ना सिर्फ ऐप बनाई बल्कि कमरुन्निसा ने 35 एग्ज़ाम्स भी दिए और आगे भी ये कह रही हैं कि मैं आगे मज़ीद एग्ज़ाम्स दूंगी। इन्होंने पाकिस्तान में पहली ऐसी ऐप बनाई जो कि मोस्ट यूज़फुल ऐप, वर्ल्ड वाइड ऐप फेसबुक को रिप्लेस करती है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है और आने वाली जनरेशन को ये मैसेज भी है कि वो भी किसी भी एज में हो, किसी भी उम्र में हो, मेहनत करते रहें, एक ना एक दिन वो भी ज़रूर कामयाब होंगे। नाज़रीन, इसके साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगली स्टोरी में। अल्लाह निगहबान।